दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा, हमने नाव से घाटों के दर्शन किए थे और वाराणसी की गंगा आरती अटेंड की थी। दोस्तों उसके बाद हम नीचे उतरे थे और अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे जिस तरीके से एक रील आप देख सकते हैं वायरल हुई थी, ये बच्चे यहाँ पे इस तरीके से मस्ती करते हैं। और यहाँ पे भी घाट का काम चल ही रहा है, आप देख सकते हैं बहुत सारी मिट्टी यहाँ पे रखी है। हम जा रहे हैं ललिता घाट की साइड और ललिता घाट के पास में मणिकर्णिका घाट भी, और जो यहाँ पे मुख्य दरवाज़ा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाने का, तो वहाँ भी चलेंगे। यहीं पे एक नेपाली मंदिर है, उसके भी दर्शन करवाएंगे, पशुपति नाथ जी का मंदिर है। दोस्तों ये ललिता घाट बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है। दूर से आप नौका विहार करते हो और शाम के समय यहाँ की लाइटिंग होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और ये यहाँ पे नीचे एक बहुत बड़ा शेड बनाया हुआ है गर्मी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। आप यहाँ आते हैं तो घाटों के दर्शन ज़रूर करिए, और आपको कॉरिडोर में भी अभी थोड़ा सा हम लेके जाने वाले हैं। चलते हैं हम नेपाली मंदिर की साइड और आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। यहीं से एक छोटा सा रास्ता जाता है सामने से, जहाँ से हम नेपाली मंदिर जा सकते हैं, तो वहीं से हम जाएंगे और आपको पूरे दर्शन करवाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों हम पशुपति नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं। इसे कहते हैं कि नेपाल के राजा ने ही बनवाया था और इसका संरक्षण भी वहाँ की सरकार ही करती है। दोस्तों इस मंदिर में सीमेंट कॉन्क्रीट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया हुआ है, ये पूरा लकड़ी से बना है और वहीं की सरकार अभी तक इसका संरक्षण करती है। जो यहाँ पे लकड़ियाँ यूज़ की थी वो भी नेपाल से ही लाई गई थी। दोस्तों विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले प्रवेश द्वार के पास में स्थित यह मंदिर नेपाल के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। नेपाल में बने पशुपतिनाथ मंदिर का प्रतिरूप इस मंदिर में प्रवेश के बाद काशी में ही नेपाल का एहसास करवाता है। दोस्तों हम यहाँ पे रात में गए थे दर्शन करने के लिए, दिन में ये मंदिर इस तरीके का दिखता है और ऐसा लगता है कि जैसे आप नेपाल के मंदिर के बाहर खड़े हैं। दोस्तों ये मंदिर नेपाली मंदिर के नाम से ही बहुत यहाँ पे फेमस है, इसे नेपाली मंदिर ही कहते हैं यहाँ के जो लोकल रहने वाले हैं, और इसका संरक्षण का काम भी नेपाल सरकार ही करती है। यानी कि वहीं के यहाँ पे पुजारी भी मिलेंगे और यहाँ की सरकार इसका संरक्षण नहीं करती है, अभी भी संरक्षण इसका नेपाल सरकार ही करती है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने करवाया था। दोस्तों वाराणसी में मंदिर निर्माण के उद्देश्य से वो काशी आए थे और यहाँ पे वो बहुत समय तक रुके थे। वर्ष 1800 से 1804 तक नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने काशी में प्रवास किया था। दोस्तों जब वो यहाँ पे रह रहे थे तो यहाँ पे पूजा पाठ के लिए उन्होंने काशी में शिव मंदिर बनवाने का निर्णय लिया था, वो भी नेपाल के वास्तु और शिल्प के अनुसार। आप देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी का पूरा ये मंदिर बना हुआ है, इसमें बहुत अच्छी कार्विंग करी हुई है। आप यहाँ आते तो समय लेके आइए, आप यहाँ पे पूरे मंदिर के दर्शन करिए। लकड़ी में इतनी अच्छी यहाँ पे आपको छोटी छोटी डिटेलिंग मिलेगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों जब उन्होंने ये मंदिर बनाने का निर्णय लिया तो गंगा किनारे घाट की भूमि इस मंदिर निर्माण के लिए चुनी गई और इसका निर्माण शुरू करवाया गया। दोस्तों मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा था उसी समय 1806 में उनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के बाद उनके बेटे राजा राजेंद्र वीर विक्रम साहा ने इस मंदिर का निर्माण 1843 में पूरा करवाया। बीच में कई वर्षों तक इस मंदिर का निर्माण रुका हुआ था, यही वजह रही कि इस मंदिर के पूरा होने में करीब 40 साल का समय लगा था। दोस्तों मंदिर का निर्माण भी नेपाल से आए कारीगरों ने ही किया था, और मंदिर निर्माण में प्रयोग में की गई लकड़ियों को भी राजा ने नेपाल से ही मंगवाया था। कारीगरों ने मंदिर में लगाई गई लकड़ियों को बहुत ही अच्छी नक्काशी उस पर बनाई गई है, जो कि आपने अभी देखी, और मंदिर के चारों तरफ लकड़ी का दरवाज़ा होने के साथ नीचे से लेकर छत तक सब कुछ लकड़ी से बनाया गया है। दोस्तों लकड़ी पे कार्विंग इतनी अच्छी की हुई है कि वो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, और नेपाल के मंदिरों की तर्ज पर ही इस मंदिर के बाहर भी एक बड़ा सा घंटा भी लगा है। वहीं दक्षिण द्वार के बाहर अभी आपने देखा नंदी जी विराजमान है, और पशुपतिनाथ जी का यह मंदिर सुबह काशी के अन्य मंदिरों के समय ही खुलता और बंद होता है। इसका हम समय बता देते हैं, सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और फिर दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। आप दिन में आएंगे तो बहुत ही अच्छा आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर पूरा लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए इसे काठ वाला मंदिर यानी कि लकड़ी का मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर टेराकोटा लकड़ी और पत्थर के इस्तेमाल से नेपाली वास्तु शैली में बनाया गया है। दोस्तों मंदिर पूरा लकड़ी का बना होने के बाद भी आज तक ये दीमकों से मुक्त है, यानी कि इसमें दीमक अभी तक बिल्कुल भी नहीं लगी है। तो दोस्तों हम चल रहे कॉरिडोर में,
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गणेश मंदिर है। आप यहाँ पे आते हैं और आप दर्शन करना चाहते हैं बाबा विश्वनाथ जी के, तो आप वीकेंड को छोड़कर आएं, सुबह आप जल्दी दर्शन करने आ सकते हैं, उस समय आपको भीड़ कम मिलेगी। यदि आप 11, 12, 1 बजे के आसपास दर्शन करने आते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लाइन में लगना होगा, उसके बाद आपके दर्शन होंगे। और यदि आप 3-4 बजे के लगभग यहाँ पर लाइन में लगते हैं तो वो लाइन बहुत ही छोटी हो चुकी होती है और बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन कर चुके होते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा कैंपस है खुला, यहाँ पर भारत माता का मंदिर है, ये आप देख रहे हैं। और यहीं पर माता अहिल्याबाई की मूर्ति भी स्थापित की हुई है, वो भी आपको अभी बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर शेड लगा है गर्मी और बरसात से बचने के लिए। इस शेड के नीचे बहुत सारे श्रद्धालु बैठते हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं अहिल्या माता के। यहाँ पे और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं और यहीं से आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने एक बड़ा द्वार बना है, जिससे नीचे सीढ़ियों से उतर के आप गंगा जी की ओर जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे, अभी आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पे शेड है और इस दरवाजे से आपको काशी विश्वनाथ जी के शिखर दर्शन होते हैं। पूरा ये जो मंदिर का शिखर है ये पूरा सोने का बनाया हुआ है। दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। हमें ऐसा लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। और यहाँ आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल मणिकर्णिका घाट के पास ही ये बहुत बड़ी यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, 80 सीढ़ियाँ यहाँ पे है। और यहाँ पे ऊपर बहुत बड़ा द्वार बनाया गया है, जो कि आप बोटिंग करते हैं तो वहाँ से भी दिखता है। ये लाइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ की। अभी मणिकर्णिका घाट भी आपको बताएंगे। पिछले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में, बनारस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरी सीरीज़ आपको मिलेगी। दोस्तों, बहुत ही सुंदर जगह है बनारस। आप आएँ यहाँ पे, यहाँ पे आप 2 से 3 दिन आप रुके, आराम से यहाँ पे दर्शन करें। यहाँ के जो व्यंजन हैं, जो 100 से 150 साल पुरानी दुकानों पे मिलते हैं, उसका आप आनंद लीजिए, उसका टेस्ट लीजिए, बहुत ही अच्छी जगह है। तो दोस्तों, ये थे नेपाली मंदिर और कॉरिडोर के दर्शन जो कि आपने किए। इसके बाद हम आ गए थे काशी चाट, जो कि यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस दुकान है। हर व्यक्ति यहाँ पे आता है और यहाँ आने की इच्छा रखता है। यहाँ पे टमाटर की चाट मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी कुछ ही समय पहले नीता अंबानी जी भी यहाँ पे आई थी जब वाराणसी में, तो यहीं पे बैठ के उन्होंने यहाँ पे इनकी चाट खाई थी। दोस्तों, इसके बारे में बता दें, ये आप बाहर खड़ी भीड़ देख रहे होंगे, यहाँ पे अंदर जाके बैठने की भी जगह है, तो आप अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सर्व कर दिया जाता है, आप जो भी ऑर्डर देते हैं। ये हमारा ऑर्डर है, आ चुका है। और दुकान का समय बता दें तो दुकान दोपहर 1 बजे खुलती है और रात 10:30 बजे तक खुली रहती है। 10:30 बजे ये मंगल होती है। यहाँ पे हमने इनकी टमाटर चाट का टेस्ट लिया, जो कि बहुत अच्छा था। इसके बाद हम आ गए थे देवा डोसा कॉर्नर, यहाँ पे हमने डोसा खाया। तो दोस्तों, ये था यहाँ तक का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर एक बार बोलूँगा मैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं, आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।